लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, क्लिपर 28 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रदेश के भावी मंत्री शिव डहरिया। शिव डहरिया जी, क्लिपर 28 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भावी मंत्री नहीं, ऐसा मत बोलिए। पहला सवाल सर मेरा ये कि आपकी पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने वक्त है बदलाव का नारा दिया, छत्तीसगढ़ में वाकई में पूरा वक्त बदल गया, किस तरह दिखते हैं सर? निश्चित रूप से हमारे, पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। दूसरा, भावी मंत्री नहीं, हम लोग प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पार्टी जो निर्णय करती है उसको सब मानते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की प्रायोरिटी हमारी छत्तीसगढ़ हमेशा रही है और हमारे सभी सम्मानीय नेताओं ने, आदरणीय पीएल पुनिया जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ने, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने, हमारे सभी नेताओं ने पूरी लगन और मेहनत से काम किया और छत्तीसगढ़ में भाजपा की भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए हम सब ने मिलकर मेहनत किया और उसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में देश की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बहुमत से कांग्रेस जीत के आई है और भारतीय जनता पार्टी का लगभग छत्तीसगढ़ से सफाया हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जिस तरह से उन्होंने अत्याचार किया और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, उन सब की परिणति थी। इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, आउटसोर्सिंग से बाहर के प्रदेश के लोगों को ला के उनको रोजगार देने का काम किया और यहाँ के प्रतिभाएँ जो है उन लोगों को कहीं कोई महत्व नहीं दिया गया, जिसका ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी, इनके बड़े नेता आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, अब ऐसा लगता है कि देश में फिर भाजपा मुक्त भारत की कल्पना हम लोग कर सकते हैं कि अब जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है, जिस तरह से 5 राज्यों में उनको कहीं कुछ नहीं मिला, उसी तरह देश में 2019 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये तय है। छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता इसको तय कर चुकी है। सर, नवा छत्तीसगढ़ का आप लोगों ने ऐलान किया था, किस तरह का नवा छत्तीसगढ़ देखते हैं आप कांग्रेस की सरकार में? नवा छत्तीसगढ़ जो है पूरे छत्तीसगढ़ के हर लोगों के लिए है और छत्तीसगढ़ के हर लोगों का विकास हो, छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को सम्मान मिले, छत्तीसगढ़ के किसानों को आत्मसम्मान मिले, छत्तीसगढ़ के युवाओं को, बेरोजगारों का, अनुसूचित जाति जनजाति का, महिलाओं का पूरा सम्मान हो और इस प्रदेश की जो जनता है वो खुशहाल रहे, यही तो नवा छत्तीसगढ़ है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों को इस तरह से त्रस्त करके रखा था 15 साल से, उससे मुक्ति दिलाना है। यही जिस तरह से अंग्रेज लोग इस देश में राज किए, देश की जनता का शोषण किया, उसको हटाने के लिए कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज भारतीय जनता पार्टी लगभग अंग्रेजों की तरह ही काम कर रही, तो उसको हटाने के लिए हर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीड़ा उठाया और हम छत्तीसगढ़ में प्रजातंत्र में जनता ही मालिक होती है और जिसको इन लोगों ने भुला दिया और उसी मालिक के ऊपर अत्याचार ये लोग कर रहे थे, आज वो स्थिति बदल जाएगी। प्रदेश में छत्तीसगढ़ की जनता ही मालिक होगी और हम जनता के सेवक होंगे और जनता जिस तरह से काम चाहेगी उस तरह से काम उनका होगा। सर, अगर मंत्री पद की आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या प्रायोरिटी रहेंगी आपकी? देखिए, ये काल्पनिक प्रश्न है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी हमको देगी उसको पूरी तरह से हम लोग निभाएंगे और उसमें खरे उतरेंगे। सर, अभी राफेल का मामला काफ़ी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी गलत जानकारी दी गई, आज ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पे प्रेस को संबोधित करके गए हैं, आप क्या मानते हैं कोर्ट की अवमानना है कि इस तरह की गलत जानकारी देना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगभग प्रजातंत्र में कहीं कोई विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने को तैयार रहती, इनके मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जो सिर्फ झूठ पर झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम करते नहीं। देश में राफेल जो डील हुई है उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जो 516 करोड़ रुपया का विमान है उसको आप 1600 करोड़ रुपया में खरीद रहे हैं,
लगभग हर विमान पे 11,000 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार हुआ। इधर 44,000 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनकी सरकार ने किया है। और कोर्ट में जिस तरह की जानकारी ये दिए हैं, अब वो कहते हैं कि कोर्ट में हमने लिपिकी त्रुटि हो गई इसलिए कुछ हम संशोधन करना चाहते हैं जो जानकारी है उसमें। तो ये लिपिकी त्रुटि होता क्या है? जब हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार है, हम लोगों ने विधानसभा में प्रश्न पूछा कि ये 10,000 करोड़ रुपया जो है अतिरिक्त बजट में क्यों दिख रहा है, तो अब वो कहते हैं कि बाद में दूसरे दिन क्लेरिफिकेशन आया कि 10,000 करोड़ जो है लिपिकी त्रुटि से लिखा गया था। अब ये 10,000 करोड़ की लिपिकी त्रुटि कर रहे हैं, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी वहां दिल्ली में इस तरह की लिपिकी त्रुटि करवा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब देश की जनता ठान चुकी है ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्ट है, जो सिर्फ झूठ के अलावा कुछ बोलता ही नहीं, जैसे हिटलर का एक मंत्री हुआ करता था गोयबल्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो कहा करते थे एक झूठ का अगर हम 100 बार बोलें तो लोग जनता उसको सच मान लेती है। मोदी जी इसी सिद्धांत पे चल रहे हैं, गोयबल्स के सिद्धांत पे, और ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। सर, अब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन होना है, आप क्या मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी युवाओं को मौका मिलना चाहिए? छत्तीसगढ़ के जो योग्य लोग हैं उनको निश्चित रूप से मौका मिलना चाहिए और मिला हुआ है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी युवा हैं, आप देख लीजिए। एक उदाहरण बताता हूँ उनकी सादगी का, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन शारदा वर्मा जी, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, परसों बैठी थी वो उनके साथ में, तो वो मुख्यमंत्री जी खड़े हुए थे और वो बैठी हुई थी, तो दूसरे लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी खड़े हुए हैं तो आप भी उठ जाइए। तो अब उनको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी नहीं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए इस तरह की बातें आती है। तो आज जो हमारा मुख्यमंत्री जी बने हैं वो युवा है और वो सबको लेके चल रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, चुनाव के दौरान किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा आपको? चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ये ठान चुकी थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और हम लोग जो चुनाव लड़ रहे थे उसमें हम लोगों से ज़्यादा तो जनता ही लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जनता ने इस बात को साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जैसे भ्रष्ट और कमीशनखोर सरकार नहीं चलेगा। इनके मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच रायगढ़ में कहा था कि 1 साल कमीशनखोरी बंद कर दीजिए तो हम कई साल सरकार में रहेंगे। इस बात की स्वीकारोक्ति है कि उन्होंने पूरे 15 साल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के माध्यम से ही काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शिव डहरिया जी, जिनका कहना है कि अब तो वक्त है बदलाव का भी चला, और साथ ही अब भाजपा मुक्त होने जा रहा है भारत। कैमरा पर्सन होरी जायसवाल के साथ श्रीकांत यदु, Clipper 28 रायपुर। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट Clipper 28।